ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्ड्स के यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नए एपिसोड में। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताने वाला हूँ वीआईटी एग्जाम से रिलेटेड, कि वीआईटी एग्जाम मैंने कब दिया था, कैसे दिया था, कहाँ दिया था, क्या मेरी रैंक आई थी, क्या हमारे पास में क्या सिचुएशंस थे उस टाइम पे, इन सारी चीज़ के बारे में मैं आप लोग साथ बात करने वाला हूँ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एआर स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो यार सबसे पहले तो ये वीडियो का आइडिया आया कहाँ से, तो हुआ ये कि अभी मैं रिसेंटली बहुत ज़्यादा वीडियोस बना रहा हूँ वीआईटी एग्जाम के ऊपर। मैं आप लोगों को ट्रिक्स बना बना के दिखा रहा हूँ वीआईटी एग्जाम की, तो ऐसे में आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो उन ट्रिक्स को, और मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे शायद ये जानने में कि मैंने वीआईटी के एग्जाम में कैसा परफॉर्म किया था, क्योंकि आप लोग मेरे से सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी थोड़ी बहुत क्यूरियोसिटी होती होगी। पहला रीज़न तो ये था, और दूसरा रीज़न ये था कि जब मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ अभी कुछ दिनों से, तो अभी रिसेंटली कल या फिर परसों ऐसा हुआ था कि मेरा एक कॉलेज का कोई दोस्त है, वो मुझे मैसेज करके डिस्कशन करने लगा वीआईटी से रिलेटेड, क्योंकि उसने मेरी वीडियोस वगैरह देखी। तो ऐसे में वो सारी चीज़ें बता रहा था वीआईटी एग्ज़ाम में, अपने मन की बातें बोल रहा था, मैंने बहुत प्रिपरेशन किया था, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए, मेरे दोस्तों के मार्क्स अच्छे आ जाए, उन्होंने अच्छे प्रिपरेशन नहीं करी थी, वीआईटी में तो बहुत झोल होता है ये वो। तो मैं भी उसकी बातों में हाँ ऐसा होता होगा, ये होता होगा, मेरे साथ भी था अनएक्सपेक्टेड, ये वो ऐसे ही टाइम पास चल रहा था। तो एकदम मेरे मन में आया एकदम से कि यार मेरे वीआईटी में कितने आए थे, क्योंकि मैं भूल चुका था वीआईटी मतलब सीरियसली नहीं लेते हम लोग, क्योंकि हमारा पहला गोल होता है आईआईटी एनआईटी, उसके बाद में कुछ नहीं होता है, तो फिर हम इन बाकी ऑप्शंस को एज अ बैकअप की तरह ट्रीट करते हैं। तो हम ऐसे सीरियसली नहीं लेते थे कभी भी कि हमें वीआईटी जाना है इस तरीके से। तो रैंक भी भूल गए, क्योंकि मैं एनआईटी 3 चला गया था, आईआईटी वगैरह क्रैक हो गया था, तो वीआईटी का मैंने मार्क्स वगैरह सब भूल गया। अब रिसेंटली अभी वीडियोस बना रहा हूँ, तो मेरे मन में भी एक क्यूरियोसिटी आई कि यार आखिर मेरे को कितना मिला होगा। तो मैं चला गया अपने ईमेल में जा करके ना, मैं सर्च करने लग गया वीआईटी रिजल्ट्स, ठीक है, तो वो 4-5 साल पुराना जो है ना जो ईमेल है रिजल्ट्स का, वो मेरे को मिल गया, और वहाँ पर मेरे को जो है रैंक वगैरह सारी चीज़ें मिल गई। तो वहाँ से आइडिया आया कि यार वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए और बताते हैं अपने वीआईटी के एक्सपीरियंस के बारे में, मैंने कितनी प्रिपरेशन करी थी उस एग्ज़ाम के लिए और क्या आउटपुट उसका निकल करके आया था, फिर क्या हुआ था, राइट। तो सबसे पहले तो यार 2016 में मैंने एग्ज़ाम दिया था जेई मेन का, है ना, जब मैं 12th का बोर्ड्स एग्ज़ाम भी दिया था जेई मेन, उस साल दिया था पहली बार। और हुआ ये था कि उस साल एकदम अंदर से ये था ना कि आईआईटी जाना है ना, मन में था कि आईआईटी जाना है, एनआईटी जाना है, ऐसे बड़े कॉलेजेस जाने हैं, ये प्राइवेट कॉलेजेस के एग्ज़ाम क्यों देने हैं, ठीक है। तो हालांकि मेरे बड़े भैया ने मेरे को सजेस्ट किया था कि बाकी एग्ज़ाम्स भी दे दो, लेकिन मैंने बात सुनी नहीं, क्योंकि मेरे बड़े भैया का एक्सपीरियंस ये था कि उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए थे, तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने से क्या होता है, टेंशन थोड़ा कम रहता है, बैकअप्स रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हो जाता है, ये माइंडसेट होता है एक एवरेज स्टूडेंट का, यही माइंडसेट होना चाहिए। लेकिन मैं अपने आप को थोड़ा है ना अबव एवरेज समझता था, तो मैं सोचता था कि यार वीआईटी का एग्ज़ाम नहीं दूंगा, केआईटी का एग्ज़ाम नहीं दूंगा, कॉमेट के वगैरह ये सब नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, सिर्फ अपना WBJEE दूंगा, वेस्ट बंगाल का जो स्टेट जेई है और जो नेशनल है हमारे जेई मेन, और एडवांस दूंगा। अब हुआ ये कि जेई मेन और एडवांस तो मैंने दिया, लेकिन वहाँ पर जेई मेन में कम मार्क्स आई और एडवांस क्वालिफाई नहीं हुआ, और फिर मेरे को ड्रॉप लेना पड़ गया। अब जब अगले साल की बारी आई, तो अगले साल फिर से भैया ने मेरे को बोला, और भी सजेशन सबके यही आए कि यार बैकअप एग्ज़ाम्स भी दे दो, ठीक है, स्पेशली मेरे भैया ने बोला था कि बैकअप एग्ज़ाम्स भी दे दो, वीआईटी और ये सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं ये सारे एग्ज़ाम्स दे दो। अब सेकेंड टाइम था, तो सेकेंड टाइम तो यार देखो एक बार गलती कर चुके हैं तो दूसरी बार ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि देखो कोई भी चीज़ गलती नहीं होती है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर मैं पहली बार वीआईटी दिया होता सपोज़, और वो मेरा क्रैक हो जाता, जो कि मुझे लगता है कि हाँ हो जाता, मतलब वीआईटी में कम लोग देते हैं कंपैरेटिवली, कंपटीशन कम रहता है और जो है उतना डिफिकल्ट भी नहीं होता एडवांस जैसा जेई मेन जैसा, तो वो हो जाता। अगर हो जाता तो मैं शायद वीआईटी में एडमिशन ले लेता, मैं ड्रॉप नहीं लेता, मैं एनआईटी 3 नहीं पहुंच पाता। तो इसीलिए जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तो आई डोंट रिग्रेट कि मैंने वीआईटी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं दिया था, अगर देता तो शायद हो जाता, और हो जाता तो मैं शायद चला जाता, ये सोच के कि बैकअप है, और घर वाले भी फिर बोल देते कि बैकअप है तो चले जाओ, राइट। एनीवेज, तो फिर सेकेंड ईयर में मैं वापस से एज अ बैकअप सोच के कि अब सेकेंड अटेम्प्ट है तो उसके बाद तो आप नहीं दे सकते एडवांस, एडवांस आप 2 साल दे सकते हो, बोर्ड्स वाला ईयर और उसके बाद वाला ईयर, और जेई मेन आप 3 बार दे सकते हो, बोर्ड्स वाला ईयर और उसके अगला 2 ईयर। तो अब ये था कि ये तो लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें अगर नहीं हुआ तो फिर ड्रॉप नहीं लेना है, ये माइंडसेट तो थी। और क्योंकि यार ड्रॉप लेते चलते थोड़ी चले जाएंगे, तो अब ये था कि यार इस साल नहीं हुआ तो अब कहीं ना कहीं तो जाना है, तो चलो दे दो वीआईटी भी, बाई चांस नहीं हुआ तो फिर चले जाएंगे, फिर वो देखा जाएगा, इस टाइप की चीज़ें थी। लेकिन माइंड में कभी ये नहीं सोचा कि वीआईटी जाना है ना, बस एक बैकअप था, फॉर्म भर दिया, बस उसके बाद खत्म।
उस बार मैंने बिटसैट भी भरा था, वीआईटी भी भरा था, कॉमेट के भी भरा था। सबके अलग अलग रीजंस थे भरने के। कॉमेट के का अलग रीज़न था भरने का, और ये अपना बिटसैट का भरने का रीज़न अलग था, क्योंकि बिटसैट तो यार प्रेफरेंस में होता ही है। उसके बाद मैं वीआईटी एज अ बैकअप भरा था। अब हुआ ये कि मैंने बिटसैट दिया नहीं। बिटसैट क्यों नहीं दिया वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ बिटसैट वाली वीडियो में। बिटसैट स्टोरी आयुष राठी, बिटसैट लिख के आयुष राठी सर्च करोगे ना, माय बिटसैट स्टोरी, तो आप लोगों को वो वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब में कि मैंने बिटसैट क्यों नहीं दिया था। कॉमेट के मैंने नहीं दिया आलस के चक्कर में, है ना। कॉमेट के मेरे को जाना तो बिल्कुल भी नहीं था, कॉमेट के बस ऐसे ही भरा हुआ था किसी के कहने पर, और लास्ट मोमेंट में आलस आ गया कि यार जाना ये वो कॉमेट के, क्योंकि मेरे को जाना भी नहीं था एकदम, ये तो श्योर था कॉमेट के नहीं जाना है, तो कॉमेट के भी नहीं दिया मैंने। बचा वीआईटी, वीआईटी को लेके था कि हाँ चल ठीक है बैकअप हो जाएगा। और वीआईटी के एग्जाम में इसलिए देने चला गया, उसके दो रीजंस थे, एक कि कोटा में ही सेंटर था, मैं उस टाइम कोटा में था, और दूसरा ये कि मेरे को एक दोस्त भी मिल गया जो मेरे साथ ही उस टाइम पे पढ़ रहा था, हम लोग साथ में पढ़ाई वढ़ाई करते थे, वो भी वीआईटी दे रहा था, और लकीली शायद हाँ उसका भी सेंटर वहीं पे था, ठीक है सेम रूम में सीट पड़ी थी हमारी, तो उसको भी वहीं जाना था, मुझे भी वहीं जाना था, तो इस चक्कर में मैं कहा चल एक साथ हो गया तो दे देते हैं, वरना मेरे को पुश नहीं आता ऐसे एग्जाम्स को देने के लिए, क्योंकि मुझे अवॉइड करना रहता है कि यार मुझे नहीं जाना, मुझे अच्छे प्रीमियम कॉलेजेस में ही जाना है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में, ठीक है। अब देखो ये भी अच्छे कॉलेजेस हैं लेकिन सबसे अच्छे नहीं है, तो मेरा हमेशा माइंड ये होता था कि सबसे अच्छे कॉलेज में जाना है, आईआईटी एनआईटी में जाना है। अब वीआईटी का एग्जाम जब मैं देने गया, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, कुछ भी नहीं पढ़ा था, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम जस्ट एक दिन उठ करके चला गया, सेंटर कहाँ है, सीट कहाँ है, एप्लीकेशन नंबर वगैरह लेकर के, एडमिट कार्ड लेकर के चला गया प्रिंट करा के, और कुछ भी नहीं मैंने देखा। और एग्ज़ाम भी मैंने बहुत ही कैजुअल वे में दिया, मतलब शुरू के आधे घंटे जो सॉल्व हो रहे थे अच्छे तरीके से वो किया मैंने, उसके बाद में मूड सा एकदम ख़त्म हो गया था, जैसे तैसे मैंने अटेम्प्ट कर दिए सारे क्वेश्चन ही मैंने जहाँ तक अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। और यू नो इंटेलिजेंट गेसिंग करके थोड़ा ट्रिक्स वगैरह लगा के, ठीक है कैजुअल वे में, जो लग रहा था लेंदी है, पता है सॉल्व हो जाएगा लेकिन यार लेंदी है क्यों करना, छोड़ो यार, इस टाइप का एटीट्यूड लेकर के मैंने पेपर को कैजुअली ही ख़त्म कर दिया था, और फिर मैं घर आ गया था, ठीक है। और यो मुझे पता था कि हाँ एग्ज़ाम तो इजीली क्रैक हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल वगैरह बहुत इजी होता है, और इतना हो जाएगा कि मुझे सीट वगैरह सब मिल ही जाएगी। उसके बाद में जब रिज़ल्ट आया, तो जो रिज़ल्ट आया था वो मेरे को अभी कल या परसों मैंने चेक किया ईमेल में, तो मेरे को रिकॉल हुआ कि मेरा इतना रिज़ल्ट आया था, जो कि आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। 13,000 समथिंग रैंक आई थी मेरी वीआईटी के अंदर में 2017 के अंदर में, 16 में मैंने दिया नहीं था, 17 में दिया था, और कुछ 13,000 समथिंग रैंक आई थी, ठीक है। अब उसके हिसाब से क्या मिलता है देख लो, फर्स्ट राउंड में शायद सीएस नहीं मिलेगा, अगले राउंड में मिलेगा आईटी या सीए, वो अपना इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ईसी वगैरह मिल जाएगा, जो भी मिल जाएगा, है ना, वो डिपेंड करता है, वो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं उनके उस तरीके से, राइट। मतलब वीआईटी में जनरली लोग एम करते हैं 7-8 हज़ार के अंदर रैंक, तो उससे क्या होता है एकदम श्योर शॉट बढ़िया तरीके से सीएससी मिल जाती है पहले ही आपके काउंसलिंग के स्टेज में, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका 15-20 हज़ार तक रैंक है तो भी आपको चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं, ठीक है। तो 13,000 रैंक में भी लगभग सारी चीज़ें मिल ही जाती है वीआईटी के अंदर में, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ ओके रैंक, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड रैंक कम्पेयर टू द लेवल ऑफ द पेपर एंड कम्पेयर टू द फैक्ट कि मेरे जेई मेन जो कि नेशनल लेवल में बहुत ज़्यादा लोग देते हैं, जेई मेन में जो 5 गुना ज़्यादा लोग देते हैं वहाँ मेरी आई थी 15,000 रैंक, तो उस हिसाब से यहाँ मेरी आनी चाहिए 3-4,000 रैंक, तो कंपेयरिंग दैट फैक्ट कि मेरे जेई मेन में 15,000 आए थे, यहाँ पे पुअर रैंक आई थी मेरी जो कि 13,000 थी, ठीक है। यहाँ 13,000 जहाँ 1-2 लाख लोग देते हैं और वहाँ 10 लाख लोग देते हैं, वहाँ भी इसी के अप्रॉक्स 15,000, सो दैट इज़ नॉट फेयर इनफ। उसके बाद में जेई एडवांस में मेरे 25,000 रैंक आए थे, ठीक है, जो कि और ज़्यादा टफ एग्जाम होता है, तो कंपेयरिंग कि जेई एडवांस में 25,000 है, मेंस में 15,000 है, यहाँ पर 3-4 हज़ार के अंदर मेरी रैंक होनी चाहिए थी, लेकिन बिकॉज मैंने सीरियसली एग्जाम को दिया नहीं था, कैजुअली दिया था, तो शायद उस वजह से जो रैंक है वो 13,000 आई, बट 12-13-15 हज़ार तक भी आपको यू नो सीट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है, लगभग सारे ब्रांचेज आपको मिल जाते हैं यार, ठीक है। तो कम से कम आपका इतना टारगेट तो होना चाहिए कि आपका 20,000 के अंदर आए, अगर आप बैकअप के हिसाब से भी देख रहे हो तो 20,000 के अंदर आपको टारगेट रखना है। एंड कुछ अगर क्विक टिप्स मैं आप लोगों को दूंगा तो यार इसको बैकअप की तरह ही ट्रीट करो, फर्स्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट मत करो, फर्स्ट ऑप्शन को हमेशा जेई मेन और आईआईटी इन सारे ऑप्शंस को आप ट्रीट करा करो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं मिला तो ज़िंदगी ख़त्म है, ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म नहीं है, ज़िंदगी में बहुत कुछ है। मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूँ तो एनआईटी त्रिची को मैंने ड्रॉप किया है, मतलब मुझे पता है कि ज़िंदगी बहुत कुछ है, बाकी कॉलेजेस से भी लोग बहुत आगे उठते हैं, लेकिन पहला चॉइस आपका ऊपर का होना चाहिए, उसके बाद में इसको बैकअप की तरह ट्रीट करो।
अगर आप एग्जाम्स के पास पहुंच रहे हो सपोज, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी तो देखो पैंडेमिक का टाइम है, जेईई मेन और एडवांस सारे आगे यू नो टल चुके हैं, तो ऐसे टाइम में आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको और ज्यादा आइडिया लगेगा वीआईटी के क्वेश्चंस का। मेरे टाइम में टाइम नहीं था, सब जेईई मेन और ये सब के बीच में ही पढ़ रहा था, तो अलग से वीआईटी के लिए क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं था, राइट। अभी आप लोग के पास में टाइम है, आप लोग कर सकते हो। और इसके साथ में ट्रिक्स बहुत ज्यादा लगते हैं, तो ट्रिक्स तो मैं आप लोगों के लिए बना ही रहा हूं, उसको आप लोग देखो, उस पूरे प्लेलिस्ट को देखो, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की 128 वीडियोस हो चुकी है, उन सारे वीडियोस को देखो, तो वो काफी ज्यादा अप्लाई होगा एग्जाम में और काफी अच्छा आपका स्कोर बूस्टअप होगा, राइट। एंड बहुत ज्यादा प्रेशर मत लो इसको, एकदम टफ एग्जाम की तरह मत देखो, नॉर्मल एग्जाम की तरह देखो, ठीक है, ईजी है, मतलब ठीक है, अभी आपका ऑनलाइन हो रहा है, ऑनलाइन प्रॉक्टर सिस्टम के द्वारा यू नो उसको यूज करके हो रहा है, आप लोग थोड़ा सा डरे हुए हो, ऑनलाइन होगा कैसे होगा, प्राइमरी डिवाइस सेकेंडरी डिवाइस चाहिए, दो दो डिवाइस चाहिए, आपको मॉनिटर करेगा ये वो, इतना टेंशन मत देना, एकदम चिल होकर के एग्जाम देना, क्योंकि वीआईटी का एग्जाम है यार, थोड़ा चिल होकर देना, ठीक है ना, क्योंकि कॉलेज भी चिल है, प्राइवेट कॉलेजेस जनरली थोड़े चिल होते हैं, उतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं कंपेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस, तो यार थोड़ा चिल होकर एग्जाम को आप लोग देना और आपका अच्छा आ जाएगा। कोई भी अगर क्वेरी हो वीआईटी से रिलेटेड, तो मैं वीडियोस तो बना ही रहा हूं, फिर भी आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं उसका जवाब भी देने का ट्राई करूंगा, और नहीं तो आपस में आप लोग बच्चों तो ये बच्चे तो एक दूसरे का हेल्प करते ही हैं, ठीक है, तो कमेंट्स करके जरूर बताना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ जो भी वीआईटी का एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको मेरे इस बातों से कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ थोड़ा सा एक आइडिया लगे, थॉट प्रोसेस थोड़ा सा क्लियर हो वीआईटी एग्जाम से रिलेटेड। चिल होके दो, बिंदास होके दो, ज्यादा प्रेशर मत लेना। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए, बने रहिए यार।